हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सेल फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फ्रिक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण, घिसने से पैदा हुआ। क्या होता है, जब भी कोई बॉडी किसी एक बॉडी पे स्लाइड करती है तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं इनके बीच में एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी कि अगर ये बॉडी इधर मूव करना चाह रही है, इधर हमने फोर्स लगाया है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और वो फ्रिक्शन फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किस कारण से लगता है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन? फ्रिक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। कोई भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन मतलब ऐसे नहीं कि दोनों बॉडी ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, रिलेटिव मोशन कुछ इस तरह की होती है। तो क्या होता है, उनकी कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स लगता है जो उनकी रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। खास बात क्या है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और इसका कारण क्या होता है, दो बॉडी जो हमें बिल्कुल प्लेन नजर आती हैं इस तरह से, उनके सरफेस एक्चुअली में प्लेन नहीं होते, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये एक तरह से कोल्ड वेल्डेड हो जाती हैं। क्यों कोल्ड वेल्डेड होती हैं? क्योंकि उनके बीच में एडहेसिव प्रेशर लगता है। अब ये एडहेसिव प्रेशर क्या चीज है, देखिए दो तरह के फोर्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे वो कोहेसिव होता है, और जो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। और एडहेसिव फोर्स अपॉन एरिया वो एडहेसिव प्रेशर होता है। क्या बात है कि जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में आती हैं तो ये जो उनके उभार होते हैं वो आपस में इस तरह से बाउंड हो जाते हैं जैसे उनको चिपका दिया गया हो, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा एडहेसिव अट्रैक्टिव प्रेशर लग रहा होता है। यही कारण है कि जितना ज्यादा स्मूथ बॉडी होगी, एक्स्ट्रा स्मूथ बॉडी में भी एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लगता है। कई बार ये मिथ आ जाता है, क्या मिथ है फ्रिक्शन के बारे में, कि मोर स्मूथ इज द सरफेस लेस इज द फ्रिक्शन। ऐसा कहा जाता है कि सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कई बार देखते हैं कि आप अगर मान लिया कहीं रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में बारिश हुई है, तो सपोज आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है, तो कई बार तो वो फिसल जाती है, कई बार वो चप्पल उस बारिश के पानी की वजह से जमीन से चिपक जाती है। चिपक गई, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, जबकि सरफेस तो स्मूथ हो गया था बारिश का पानी पड़ने की वजह से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब हमेशा स्मूथनेस बढ़ेगी तो फ्रिक्शन कम ही होगा। अगर सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाते हैं तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एडहेसिव प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्रिक्शन का कंसेप्ट जो है वो एडहेसिव प्रेशर से रिलेटेड है। एडहेसिव प्रेशर आता है एडहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। देखिए, अब हम आते हैं फ्रिक्शन के टाइप पे। कितने तरह का फ्रिक्शन हो सकता है, दो तरह का होता है, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब मान लिया ये बॉडी है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, फ्रिक्शन फोर्स आ गया स्मॉल एफ, बॉडी चली नहीं है अभी तक, बॉडी रेस्ट में है फिर भी उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो ऐसा फ्रिक्शन जो तब लगे जो बॉडी रेस्ट में हो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लिया इसी बॉडी की बात करते हैं, अब हमने जो फोर्स लगाया है बॉडी चल पड़ी है, मूव कर रही है, क्या तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा? तब भी फ्रिक्शन लगता है, उसे हम एफ के से शो करते हैं, इसे एफ एस से शो करते हैं। FS stands for static friction force, FK stands for
डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं स्टैटिक के एक और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। जनरली क्या होता है, जैसे मैं बच्चों से कई बार पूछता हूं कि बेटा ये ब्लॉक है, ठीक है, अब ये बताओ क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा है? बच्चे कहते हैं यस सर। तो कैसे? क्योंकि सर ये चल नहीं रहा और इसको चलने से फ्रिक्शन ने रोका हुआ है। ये एक मिसकंसेप्शन है, अगेन अ मिथ, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने फोर्स लगाया तभी फ्रिक्शन आया, उससे पहले फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे नहीं था। बॉडी रेस्ट में क्यों थी? बॉडी ने फोर्स लगाया वेट सरफेस के ऊपर, वेट ये सरफेस ने रिएक्शन लगाया ऊपर, और कोई फोर्स है नहीं पूरे सिस्टम पे, सरफेस और ब्लॉक इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। अब आप फोर्स लगाते हैं एफ, फ्रिक्शन फोर्स लगता है एफ, ये इक्वल होता है, और फोर्स बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, अभी भी ब्लॉक चलेगा नहीं, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, अभी भी ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन अब आपने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी मैक्सिमम हो गया है। अब अगर आपने और फोर्स लगा दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखिए, ये तीसरे तरह का टाइप नहीं है, ये स्टैटिक का ही एक स्पेशल केस है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं और एफ एस से शो करते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन रिएक्शन के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, या फिर एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस को कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बॉडी में वेट होगा mg, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा और उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब हैवी बॉडी पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और लाइट बॉडी पे फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इधर अप्लाइड फोर्स और इधर फ्रिक्शन, तो हम देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ आता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये जो मैक्सिमम पीक गया ये है एफ एस, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब हमने और फोर्स लगा दिया तब बॉडी चल पड़ती है, यहां तक इस फोर्स तक अप्लाई फोर्स और जो फ्रिक्शन है वो इक्वल हो गए, यानी कि बॉडी अभी तक चली नहीं है। अगर हमने और फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और अब कांस्टेंट रहता है, अब बॉडी चल रही है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन है इसको मैं एफ के कह देता हूं, और जो एफ के है वो कम होता है एफ एस से। एफ के इज व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब बॉडी चलना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन कम लगता है। इसका मतलब सपोज आप एक ब्लॉक को फोर्स लगा के धकेलने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, धकेलना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार वो चल पड़ा तो उसे चलाए रखना आसान है, क्योंकि अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि लिमिटिंग से कम होता है। जब तक वो बॉडी चली नहीं थी, वो रेस्ट में थी, स्टैटिक फ्रिक्शन था। आप फोर्स बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी, और फोर्स बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। अब जो फोर्स आपने बढ़ाया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, अब अगर आपने और फोर्स लगा दिया तो वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बॉडी चल पड़ेगी, और अब बॉडी चल पड़ी है, फ्रिक्शन है, तो वो कौन से वाला फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसकी जो और प्रॉपर्टीज हैं वो हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है आप इसको प्रेस कर देंगे तो आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।